14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है और उससे पहले आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो लॉन्च किया। इसके अलावा खड़गे ने कहा कि ये यात्रा लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की ओर एक मजबूत कदम है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। खड़गे ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं, वो जरूरतमंदों के बीच क्यों नहीं जाते। साथ ही साथ सांसदों को जबरन निलंबित किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि जो सांसद शांत थे उन्हें भी सस्पेंड किया गया। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी साफ किया कि 14 से जो यात्रा शुरू होने जा रही है उसमें इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि गठबंधन के संयोजक और अध्यक्ष पद को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर इम्फाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। मणिपुर में जो मई में मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहां पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन, कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का वहां पर जाके वहां फोटो निकाल लेते हैं। कोई एक भगवान का दर्शन के जैसा रोज उठते ही उन्हीं का। लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए जहां लोग मर रहे हैं? पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की, पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरकार ने हमको मौका नहीं दिया। और मजे की बात यह है भाई, कोई आदमी साइलेंट बैठ रहा है उसको भी सस्पेंड, जो उठ के खड़ा है उसको भी सस्पेंड, जो कुर्सी पे बैठा है उसको भी सस्पेंड। यानी 146 लोगों को निलंबित किया गया।